नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर प्रिया भावे चित्तावर और आज हम चर्चा करेंगे अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी के बारे में। हम जानते हैं कि जब भी संतानहीनता की समस्या होती है तो आमतौर पर कुछ टेस्ट की जाती हैं, जैसे पति की शुक्राणु जांच, महिला की सोनोग्राफी और HSG यानी ट्यूब जांच और इंटरनल सोनोग्राफी। जब ये सारी टेस्ट नॉर्मल आती हैं तब कपल्स बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या ऐसा कारण है कि हमें संतानोत्पत्ति नहीं हो पा रही, गर्भाधान नहीं हो पा रहा, जबकि सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, शुक्राणु ठीक हैं, अंडे ठीक हैं, ट्यूब खुली हुई है, फिर भी ऐसा क्या कारण है कि गर्भाधान नहीं हो पा रहा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये समझना कि जब भी हम संतानहीनता का इवैल्यूएशन करते हैं तो लगभग 70% केसेस में या तो मेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है या फीमेल फैक्टर इनफर्टिलिटी होती है, परंतु 30% केसेस में अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी होती है। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का अर्थ है कि सारी जो जाँचें हैं वो नॉर्मल आती हैं, परंतु फिर भी कहीं ना कहीं कोई समस्या है जिसके कारण गर्भाधान नहीं हो पाता। अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी को समझने के लिए हमें ये जानना पड़ेगा कि जो गर्भाधान की प्रक्रिया है वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर शरीर के अंदर होती है, यानी फेलोपियन ट्यूब्स के अंदर जब ओविलेशन होता है उसके बाद ट्यूब अपने अंदर एग को खींच लेती है, उसी समय इंटरकोर्स होने के बाद में स्पर्म्स जो है वो फेलोपियन ट्यूब तक ट्रैवल करते हैं और अंडे के अंदर एंटर करते हैं। एक अंडा फर्टिलाइज जब हो जाता है तो फेलोपियन ट्यूब उसे वापस यूट्रस के अंदर पहुंचा देती है और फर्टिलाइजेशन के चौथे पांचवें दिन इम्प्लांटेशन होकर और प्रेगनेंसी आगे होती है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ये माइक्रोस्कोपिक लेवल पर हो रही है, इसे शरीर के बाहर रियल टाइम में देखना संभव नहीं होता है। तो इसीलिए कई कपल्स में ट्यूब खुली है, स्पर्म्स नॉर्मल हैं, ओविलेशन हो रहा है, फिर भी प्रेगनेंसी नहीं होती, और इसके 3 या 4 मुख्य कारण होते हैं। पहला होता है ट्यूबोपेरिटोनियल। ट्यूबोपेरिटोनियल कारणों का अर्थ है कि फेलोपियन ट्यूब अंदर से तो खुली हुई है यानी HSG नॉर्मल है, परंतु ट्यूब की बाहर की तरफ से कोई झिल्ली या पर्दा या कोई डिस्टर्बेंस है ट्यूब और ओवरी के रिलेशनशिप में, जिसके कारण जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब के अंदर नहीं आ पा रहा है। कई बार फेलोपियन ट्यूब में कोई अड़चन नहीं होती पर फेलोपियन ट्यूब के जो मूवमेंट्स होते हैं यानी एग को कैप्चर करने का जो मूवमेंट होता है वो बराबर नहीं हो पाता, और ये किसी टेस्ट से हम डायग्नोस नहीं कर सकते। दूसरा कारण जो होता है वो होता है सर्वाइकल फैक्टर, यानी वीर्य में शुक्राणु अच्छी मात्रा में है परंतु ये जो शुक्राणु है ये यूट्रस के अंदर नहीं पहुंच पा रहे हैं, क्योंकि सर्विक्स जो माउथ होता है यूट्रस का, वहाँ पर किसी तरह का अवरोध उत्पन्न हो रहा है। तीसरा और एक रेयर कारण अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी का होता है कि यदि अंडे का बाहरी खोल कड़क है तो उस केस में भी जो है वो अंडा फर्टिलाइज नहीं हो पाता और पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं हो पाती। ये इसका अर्थ है कि जब भी किसी व्यक्ति को अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी है तो ये मतलब नहीं है कि कोई कारण नहीं है, बल्कि कारण है और वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है। तो अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी वाले पेशेंट्स के इवैल्यूएशन में सबसे पहले जो हम टेस्ट करते हैं उसे डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी कहा जाता है। डायग्नोस्टिक हिस्ट्रोलैप्रोस्कोपी में हम ट्यूबोपेरिटोनियल फैक्टर्स यानी ट्यूब की बाहर की तरफ कोई पर्दा, एडहेजन्स, ट्यूब और ओवरी की रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस, एंडोमेट्रियोसिस, पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, एंडोमेट्रियल ट्यूबरक्यूलोसिस, ये सारे कारणों का पता लगा लेते हैं और इन्हें कुछ हद तक ठीक भी कर सकते हैं। यदि लैप्रोस्कोपी नॉर्मल है उस केस में IUI ट्रीटमेंट किया जाता है। IUI ट्रीटमेंट में स्पर्म्स को परिष्कृत करके यूट्रस के अंदर डायरेक्टली रखा जाता है। तो जिन कपल्स में सर्वाइकल फैक्टर की प्रॉब्लम है उन कपल्स में IUI में सक्सेस का प्रतिशत बहुत अच्छा रहता है। आखिरी बचते हैं वो कपल्स जिसमें फर्टिलाइजेशन फेलियर है, यानी अंडे का खोल कड़क होने के कारण स्पर्म्स उसे फर्टिलाइज नहीं कर पा रहे। ऐसे केसेस में एकमात्र जो ट्रीटमेंट है वो होता है टेस्ट ट्यूब बेबी, क्योंकि टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट में हम अंडे को डायरेक्टली इसी प्रक्रिया के द्वारा फर्टिलाइज करते हैं शरीर के बाहर। तो यानी हमने देखा कि अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी में ये इनफर्टिलिटी ऐसी नहीं है कि इसका कोई कारण नहीं है, कारण है परंतु वो माइक्रोस्कोपिक लेवल पर है, और इसमें हमें टारगेटेड अप्रोच के साथ चलना होगा। पहले लैप्रोस्कोपी से सारे कारण इवैल्यूएट करने होंगे, लैप्रोस्कोपी नॉर्मल है तो IUI ट्रीटमेंट करना होगा, IUI फेल हो जाता है तो फिर हमें टेस्ट ट्यूब बेबी ट्रीटमेंट की तरफ बढ़ना होगा। यदि आप इस विषय में और कोई जानकारी चाहते हैं, यदि आप अनएक्सप्लेन्ड इनफर्टिलिटी से ग्रस्त हैं और सेकंड ओपिनियन चाहते हैं तो आप हमें हमारे ईमेल आईडी पर ज़रूर ईमेल कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे इसी तरह की अच्छी एजुकेशनल सामग्री हम आप तक पहुँचा सकें। धन्यवाद।